जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का नामो निशान नहीं रहा तो फिर दिल्ली में बाबर रोड क्यों? इसीलिए जिहादी बाबर का नाम मिटाकर अब अयोध्या मार्ग होना चाहिए। किसने कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, विस्तार से बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए देश में जश्न का माहौल है। अयोध्या धाम पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है, लेकिन इसी बीच अब दिल्ली में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसके बाद दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए और एक बार फिर से चर्चा होने लगी कि अगर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का नामो निशान मिट गया तो फिर दिल्ली में बाबर रोड क्यों है। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन से सिर्फ 2 दिन पहले शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग का स्टिकर लगा दिया। ये मामला पब्लिक डोमेन में आने के कुछ देर बाद ही स्टिकर को हटा दिया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से। फिलहाल अभी ये मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके बाद इस पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि खबरों के अनुसार हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कि हम लोग लंबे समय से बाबर रोड का नाम बदलने की मांग करते आए हैं, ऐसे में अब जब बाबरी मस्जिद का नामो निशान अयोध्या से मिट गया तो फिर दिल्ली में भी बाबर रोड का नाम हटना चाहिए, इसका कोई भी मतलब नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि हिंदू सेना ने 8 जनवरी 2024 को नई दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखकर इस सड़क का नाम बाबर रोड से बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग की थी। विष्णु गुप्ता का कहना है कि भारत भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री वाल्मीकि और गुरु रविदास जैसे महापुरुषों का देश है और इसीलिए अब बाबर रोड का नाम बदला जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबर जिहादी था, इसीलिए उसके नाम की रोड नहीं होनी चाहिए। सुनिए विष्णु गुप्ता पहले क्या कुछ कह रहे हैं और फिर आगे खबर विस्तार से बताते हैं। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में आक्रमणकारी आतंकवादी बाबर रोड का नाम जब हम देखते हैं तो हमें बाबर के दिनों की याद आ जाती है और लगता है कि आज भी हम उसी समय में जी रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को ये अच्छा नहीं लगा, लंबे समय से मांग थी, तो कार्यकर्ताओं ने आज जिहादी बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता। अब आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले ही तमाम संगठन जोश में हैं। इसके अलावा तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं, मुस्लिम नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मुस्लिम संगठन किसी बात का विरोध कर रहे हैं। तो इसी बीच अब हिंदू सेना ने भी बाबर रोड का नाम बदलने की मांग कर दी है। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, उससे पहले उसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर उसी जगह पर बनाई गई है जहां पहले मुगल शासक बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई गई थी, जिसका नाम बाबरी मस्जिद था। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने की मांग उठी हुई। पिछले साल भी कई सड़कों के नाम को बदलने की मांग उठी थी और बाबर रोड का नाम पहले भी हिंदू सेना ने बदलने की मांग की है। ऐसे में जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो एक बार फिर से हिंदू सेना ने बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की अपील कर दी है और स्टिकर चिपका दिया है। फिलहाल स्टिकर को हटा लिया गया है, लेकिन विष्णु गुप्ता इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लीजिए और आपकी राय क्या है, क्या बाबर रोड का नाम बदला जाना चाहिए और अयोध्या मार्ग होना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसा है, हिंदू सेना की बहुत लंबे समय से मांग थी कि बाबर रोड का नाम बदलकर हमारे किसी महापुरुष के नाम होना चाहिए। हमने कई बार NDMC को पत्र दिया, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा है, बट अभी तक उसका नाम नहीं बदला गया। तो जब श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने ये भी माना कि बाबर का यहाँ अस्तित्व नहीं है, बाबर का यहाँ जन्म नहीं, बाबर का कुछ नहीं है। जब अयोध्या में बाबर की बाबरी नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का काम क्या है? तो इसको देखते हुए जब 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में आक्रमणकारी आतंकवादी बाबर रोड का नाम जब हम देखते हैं तो हमें बाबर के दिनों की याद आ जाती है और लगता है कि आज भी हम उसी समय में जी रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं को ये अच्छा नहीं लगा, लंबे समय से मांग थी, तो कार्यकर्ताओं ने आज जिहादी बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग कर दिया।